हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम आप बात करेंगे जो ईसे स्टेटन माल्टा का आज के दिन का तीसरा मैच होगा, जो खेला जाएगा मार्शा और बुगीबा ब्लास्टर्स के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के, तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लो। बात करें मैच के बारे में, 5 बजे मैच स्टार्ट होगा। सेम ग्राउंड पर मैच है, आर्टिफिशियल विकेट है, तो पिच का बिहेवियर सेम ही रहेगा। एवरेज स्कोर 80 से 100। अब तक 12 मैचेस हो चुके हैं, 6 जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 6 मैचेस, मतलब टॉस का इंपॉर्टेंस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहा है। पहले बात करेंगे अपन यहाँ पर मार्शा की टीम की। मार्शा की टीम ने यहाँ पर 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं और 1 मुकाबला हारे हैं, और इसीलिए इनकी टीम ने भाई लास्ट मैच में एक्सपेरिमेंट भी किया। वैसे देखो, इनकी तरफ से ओपन करते हैं नोवेल खोसला और नोमन मेहर, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने क्या किया, नोमन मेहर के साथ ओपन करवा दिया मोहम्मद सुलेमान को। तो ये सब चीज़ें T10 में आपको पता है नॉर्मल हो चुकी हैं। अब नोमन मेहर पहले 2 मैच में बॉलिंग कराई, 20 रन 2 विकेट 0 1 विकेट, फिर 29 पे 0 हैं, लेकिन लास्ट के 2 मैच से इसको बॉलिंग नहीं मिल रही है, तो ये मान के चलना बॉलिंग मिलना मुश्किल है। मोहम्मद सुलेमान 1.42 की पारी को अगर आप छोड़ दो तो 2.00 उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। हरुण मुगल 9 बैटिंग 4 0 हैं। GL में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि 26 मैच में 249 15 विकेट है, लेकिन स्मॉली के लायक तो अब तक इसका परफॉर्मेंस नहीं रहा है। नीरज खन्ना 22 नॉट आउट 48 नॉट आउट 9 बैटिंग 8 है, अच्छा परफॉर्मेंस है। 27 T10 में 327 9 विकेट है, विकेट कीपिंग कर रहा है तो बॉलिंग करवाएगा नहीं। नोवेल खोसला अगर ओपन आता है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 29 6 29 1 है, 28 मैच में 434 है। और ये सब चीज़ें आपको मैं ना आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पे जब इनका ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर आएगा ना, तो उसमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर कौन खेलने वाला है। फनियान मुगल 4 मैच में 2 विकेट, बल्ले से 18 12 31 1 है, करियर में 35 मैच में 496 रन 21 विकेट है। अरसलान अरशाद के नाम 4 मैच में विकेट सिर्फ 1 ही है, लेकिन बॉलिंग इसने बहुत अच्छी कराई है। उत्तम मनी कोई खास रिकॉर्ड नहीं है। सरुण बासिर लास्ट मैच खेला, 2 ओवर डाले लेकिन विकेट लेस था। GL में ट्राई करना रिस्की टीम में। वेंकटेश प्रजापति एक अच्छा ट्रंप है आज के दिन का, 10 रन 1 विकेट था लास्ट मैच में। उससे पहले के 4 मैच में भले विकेट लेस रहा हो, लेकिन प्लेयर अच्छा है। डेविड अथवाल ये भी एक अच्छा स्पिनर है, पहले मैच में 1 विकेट था, दूसरे में बॉलिंग मिली नहीं, 13 T10 में 11 विकेट इसके भी नाम थे। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से रख रहा हूँ नोमन मेहर को, यहाँ से मैं रखूँगा अपनी टीम में फनियान मुगल को रखूँगा, नीरज खन्ना को रखूँगा, नीचे से मैं वेंकटेश प्रजापति को रखूँगा। इसके अलावा देखो, मैं डेविड अथवाल को रख रहा हूँ, आप चाहो तो डेविड अथवाल की जगह आप अरसलान अरशाद को भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। फनियान मुगल भी टीम में रहेगा अपने, बाकी बेंच पर जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से अगर कोई खेलता है तो उसके स्टैट्स आपको मिल ही जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग को डालेंगे एस बासिर, एप मुगल, एप पी, यहाँ से वी पकलापति, डेथ के ओर डालेंगे एस बासिर, ए अरशाद और वी पकलापति। यहाँ पर ये प्रजापति नहीं है, सॉरी ये पकलापति है। अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि BBL की टीम की। BBL की टीम 2 जीती है 2 हारी है। इनकी तरफ से जो कल के दोनों मैच हुए थे ना, वहाँ पर ओपन किया था पवन कल्याण और प्रज्वल कोहाड ने। पवन कल्याण देखो, पहले में 5 फिर 9 बैटिंग फिर 9 फिर 3, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया था इसने कल। प्रज्वल कोहाड पहले मैच में बॉलिंग नहीं, लेकिन उसके बाद में लगातार 2 2 ओवर डाले, पहले 1 विकेट फिर 8 1 विकेट फिर 2 रन 0 विकेट है। 21 में 6 मैच में 156 रन 0 विकेट है T20 में। गौरव मेथानी 2 बड़ी पारी है, 53 14 54, बढ़िया फॉर्म में। नरेंद्र नेगी बैटिंग बॉलिंग दोनों करेगा, 4 मैच में इसके नाम विकेट 1 है, लेकिन बल्ले से 28 15 और 19 है। रवि पाल ये एक बहुत अच्छा फील्डर है, प्लस बॉलिंग करवा सकता है पार्ट टाइम और बैटिंग भी काफ़ी अच्छी करता है। 7 21 1 है, स्मॉलिंग में रिस्क है, GL में रखना। प्रदीप पुपाला 4 नॉट आउट हैं। अतिंदर सिंह 2 नो बैटिंग 2, उतना खास रिकॉर्ड मेरे को लगा नहीं। शिव सिंह की बात करूँ, अच्छा बॉलर है, राउंड डाउन बॉलिंग करवाता है, 4 मैच में 3 विकेट है। और सोहन सिंह के नाम 4 मैच में 1 विकेट है, GL में ट्राई करना। सुरेश धोबल 4 मैच में 2 विकेट, GL में ट्राई करना। देवेंद्र नेगी ने कल बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 7 विकेट अब तक निकाल चुके हैं। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, प्रज्वल कोहाड हैं, गौहर मेहतानी हैं और नरेंद्र नेगी हैं, इसके अलावा नीचे से शिव सिंह और देवेंद्र नेगी अच्छे प्लेयर हैं। बाकी बेंच पर इनके जो भी प्लेयर्स हैं इनमें से कोई खेलता है उसके स्टार्ट आपको मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे सोहन सिंह, पी कोहाड, डेथ के ओवर डालेंगे पी कोहाड, शिव सिंह और नरेंद्र नेगी।
एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पर अपन चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चलते हैं डेमो टीम की तरफ। डेमो टीम की बात करूँ तो यहाँ पर डेमो टीम में मैंने फिलहाल के लिए नीरज खन्ना और गौरव मेथानी को रखे हैं। विकेट की बैटिंग सेक्शन से मैंने पी कल्याण, सुलेमान मोहम्मद और नोमन मेहर को रखा है, क्योंकि बैटिंग सेक्शन में ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। और ऑलराउंडर सेक्शन से नरेंद्र नेगी, शिव सिंह और एब मुगल को रखा है। बॉलिंग सेक्शन से देवेंद्र नेगी, बी पकलापति और डी अथवाल को रखा है। कैप्टन मेरे एप मुगल है, वाइस कैप्टन गौरव मेथानी है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम जो भी होगी इस मैच की आफ्टर टॉस आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। और बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू भाइयों।